हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं बिंदु, हमारे चैनल बिंदु ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अभी फ्रेंड्स हुआ है सुबह सुबह का टाइम और गाड़ी आई थी ना आलू और प्याज की, तो क्या अभी देखो मैं ना आलू लेने आई थी नीचे। आलू ही हमारे पास आलू थी, लेकिन रुद्र ना इतना ज़्यादा परेशान करता है जब भैया लाउडस्पीकर लेके चलाते हैं ना, तो ये परेशान कर देता है हमको। अभी देखिए हमको दुकान पे लेके आया। क्या लोगे बाबू, क्या लोगे? अभी इनको कुछ दिला दूँ तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ये देखिए बाबू ना ले लिया मीठी मलाई और एक चॉकलेट भी लिया। अभी ना हम थाली लेके परेशान हैं। मेरी बुआ भी यहाँ पे बैठी हैं, पुराने से बात करने लगी थी, अभी मैं जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आलू लेके आ गई थी वहाँ से। बाबू ने इतना ज़िद किया, जबकि मेरे पास ना अभी 2-3 किलो आलू पड़ी हैं। इनके ज़िद की वजह से ना हमें आलू लेने जाना पड़ा। ये बोल रहे हैं ना प्याज, क्योंकि प्याज नहीं लूँगी मैं, प्याज नहीं ली मैं क्या। अभी ये देखिए अपना लॉलीपॉप ही खा रहे हैं। अभी ना घर में झाड़ू पोछा भी कुछ भी नहीं हुआ, अभी सुनने का। ये देखिए, और मैं वही थाली लेके आई ना, और कल क्या है ना मैं बाल धुली थी। बाल धोने के बाद ना कल मैं तेल लगाना भूल गई थी। अभी ना मैं ऐसा लग रहा है ना सर ना जैसे ठनक सा रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है बाल सर में। तो मैं ना तेल लेके बैठी थी नारियल को लगाने के लिए। अभी मैं कन्हैया से वही बोल रही हूँ, चेक करो कि हेयर केयर तेल डीमार्ट में है कि नहीं है। तो डीमार्ट में है, अभी ना मैं वही लगाऊंगी, क्योंकि ना एक साल से हम अपना तेल भी ना चेंज किए हैं। और अभी बजाज आलमंड लगाती थी, उससे भी ना मेरे बाल ना बहुत हेयर फॉल हो रहे थे। तो यहाँ पे डॉक्टर है ना MBBS डॉक्टर पाटिल करके, मैं उनको दिखाई थी। तो डॉक्टर बोले क्या कि तेल जो है ना नारियल का लगाओ, तो मैं नारियल का लगाना शुरू की। ये देखिए नारियल का ही तेल मैं लगाना शुरू कर दी। एक साल पूरा हो गया, 14 महीना हो गया, 14-15 महीने हो गए हमको ये तेल लगाते हुए, लेकिन ना बिल्कुल भी नहीं बाल रुका। इसलिए मैं सोच रही हूँ ना अभी मैं हेयर केयर का लगाऊँगी। बजाज आलमंड का लगाती थी ना मेरी, ना मैं हेयर केयर तेल मंगा रही हूँ डीमार्ट से। कल ये दिखाएंगे लेके आएंगे, अभी फ़िलहाल तो आज हम लगा लिए हैं। इसको भी मैं वॉश कर दूँ। सर में बड़ा अजीब अजीब सा हो रहा है, मैं चल के आई, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि बड़ी कमजोरी सी फील हो रही है। पैर भी ना ऐसा लग रहा है कि उठने का मन नहीं कर रहा, जैसे मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, 5 किलो वज़न उठा के। और बापू ने अपना लॉलीपॉप लेके परेशान है। आज हम बच्चों को ना टिफिन मेडली बना के दिए थे, और शॉर्ट ब्रेक में दोनों को ग्रिप्स लेके जाना था, दोनों ग्रिप्स लेके गए। अभी क्या है ना ठंडा मौसम चल रहा था ना बच्चों को, ना ठंडा मौसम चलने की वजह से मैं बच्चों को ना फ्रूट्स कुछ भी नहीं देती, क्योंकि आए दिन दोनों तीनों को सर्दी खांसी जुकाम हर होता था, तीनों परेशान रहते थे ना। इसलिए अभी हम फ्रूट्स लाना शुरू किए हैं। अभी दोनों फ्रूट्स लेके जाएंगे शॉर्ट ब्रेक में। बाबू और लॉन्ग ब्रेक में हम दोनों को ना इडली बना के दिए थे, हमें इडली भी बनानी है। और बुआ के पास ना मेरा मिक्सी जार पड़ा हुआ था, कल गई थी नमक उनका घी बनाने के लिए, उन वाला भी उनको ना वो सिंगदाना भून के बोली कि हमको पीसना है, तो हमारे पास छोड़ दो, उनके पास छोड़ दी थी। लेकिन रात को 9:30 बजे मैं बच्चों को भेजी थी लेने के लिए, क्योंकि हमें इडली का इडली पीसना था, चावल और उड़दी उनसे मंगवाई थी। अभी मैं इडली बनाऊँगी ना, तो बुआ के लिए भी भेजूँगी थोड़ा सा, कन्हैया दे दूँगी, कन्हैया लेके चले जाएंगे, उनको लेके आ जाएंगे। क्योंकि उनके लिए अभी आलू लेने गई थी ना बुआ भी, आलू प्याज लेके वहीं बैठी थी, बोले कि ठीक है भेज देना। तो चलिए हम करते हैं अपना झाड़ू पोछा। आज बाबू की वजह से इतना हमको आलू लेना पड़ा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, कर लेते हैं अपना काम। सो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो गया है, अभी मैं भी ना जा रही हूँ इडली खाने, आप लोग भी आ जाइए। देखिए इडली और चटनी कन्हैया के लिए ना हम फ्राई कर दिए थे, कन्हैया ना सुबह खा चुके हैं,
कन्हे के लिए फ्राई की थी ना, कन्हैया खा चुके जाने कब के, लेकिन अभी मैंने ही ना खाई थी क्योंकि अभी हम पूजा वूजा भी नहीं किए थे ना। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए इडली। अभी मैं ना खा के ना जाऊंगी बुआ के घर, बुआ के रूम पे जाना है, मिक्सी जार लेने जाना, उनका मिक्सी जार खराब हुआ, उनको पीसने हैं क्या सेंगदाना, और ये इडली भी मैं लेके जाऊंगी थोड़ी सी उनके लिए। मैं ही बोल रहे हैं बाबू कि नहीं जाओ, देखो इधर बोलो, सबसे हाय बोलो, बाय। आज इतना परेशान कर दिए ना हमको, रो रो की झल्ला करके ना बहुत परेशान कर दिया। अभी भी ना मेरा सर भारी भारी सा लग रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमें ना चक्कर आ रहे हैं। आलू लिवा के आए, इतना जिद कर लेता है आलू के लिए कि कितना आलू, सब बोलते हैं कितना आलू लगता है आपको, सब सच में बोले कितना आलू खाती है। मैं बोली भाई हम यूपी वाले हैं, आलू ज़्यादा खाते हैं यूपी वाले। ये यूपी का लड़का आलू बहुत खाता है, अभी देखो मुँह में कैसे ठूस रहे हैं ना, खाएंगे नहीं अभी निकाल के रखेंगे, अभी सुबह से ना दो इडली ऐसे बर्बाद किए हैं। खा लो, आप लोगों को दिखा रहे हैं, खा लो। दिखा रहे हैं, देख कैसे ऐसे ऐसे दिखाता है, कोई बैड बॉय हो क्या? बैड बॉय नहीं हो तब, गुड बॉय हो ना? नहीं, नहीं हो बैड बॉय नहीं तो मेरा बाबू जान आलू खरीदवाया, आलू बहुत खाता है, सच में आलू बहुत खाता है। ये सोचा कि हम खरीदवा ले मम्मी से बोल के, नहीं तो ना मम्मी आलू बना, नहीं सनलाइट आ रहा है ना, नहीं तो ना मम्मी आलू नहीं देगी, इसीलिए खरीदवा लिया। ये आलू खत्म हो गया, मम्मी नहीं लाई तो इसको क्या मिल। चलिए हम खा लेते हैं इडली, फिर जाते हैं बुआ के रूम पे देने के लिए मिसी जार। सर दर्द हो रहा है, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मैं ना कपड़े डालने आई हूँ, बहुत तेज धूप हो गया है। ये आटा का डब्बा ना मैं माँज दी थी, ये गंदा हो खराब हो गया, तो आटा खत्म होने के बाद इसको माँजना पड़ता है। इसको मैं रखूँगी यहाँ पे, मैं डालूँगी ना ये सारे कपड़े, अभी बाथरूम में भी हैं कपड़े उठाने हैं बाथरूम से भी। हमारे कपड़े हो गए, सारे कपड़े डाल दिए हम, अभी जाऊंगी बुआ के रूम पे। मैं अभी जा रही ना बुआ के रूम पे, धूप ही ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा धूप है। चलो बाबू चलते, आँख ना खुल नहीं रही है धूप की वजह से, बहुत ज्यादा ना धूप है। चलते हैं बुआ के रूम पे ना, तब बात करते हैं। कन्हैया परेशान है काल सवेरे से, बहुत ना ही मतलब बात बात परेशान बहुत ज्यादा है, मतलब जाए क्या? हाँ ना ही अभी ना है, अभी जाए के ना है, लेकिन परेशान होकर कोर्स वर्क करे पड़ा था ना। वो बोल रही है, मैं सोच रही थी ना कि कन्हैया आएंगे, कन्हैया अभी नहीं आए, तो अभी नहीं आएंगे तब शाम को आएंगे, धूप है बहुत ज्यादा। मैं उनसे हम उनसे बोला था बुआ चल बा काका, नहीं हम ना जा पाए, अभी उस सवेरे से नहाए ना आई है, अभी कन्हैया नहाए ना आई है, इतना ज्यादा परेशान है सच में, इतना ज्यादा परेशान है अपना काम लेके ना, कि नहाए भी नहीं है। चाय पी के बैठे थे, इडली फ्राई करके हम दिए थे ना, इडली खा के बैठे, अभी मैं बुआ को लेके आई, रुद्र क्या बोल रहा है लेके चलो इडली लेके चलो, बुआ को बोल रहा है कि मत दो लेके चलो। अभी ना मैं एक बैठूंगी, धूप में आई ना ऐसा लग रहा है सर और उड़ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है सर हमारा, बहुत ज्यादा धूप है। वही बुआ बोल रही थी, यही मैं सोच रही थी कि कन्हैया नहीं आएंगे, इतना ज्यादा धूप है। वो धूप में निकले ना, मैं तो धूप में चल भी लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन वो धूप में निकलते ही नहीं है। बाबू हमको छोड़ के ना वहाँ वहाँ विंडो के पास जा रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं बाय, जा रहे हो नहीं, नहीं जाओगे तो बाय क्यों कर रही थी आप? हमें लगे फोन ना किए, नहीं फोन आए थे। बाबू को देखो कौन सा चप्पल मैं पहना है, अभी दो दो तीन महीना पहले ये चप्पल मैं लाई थी ना बाबू के लिए, दो महीना पहले लाई थी ना, लड़की का चप्पल, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम बाबू के लिए ना ये खरीद लिए थे। ये देखो बाबू ऐसे करो, पाए दिखाऊं, देखिए तब से ना बाबू कभी पहना ही नहीं, कभी नहीं पहना, आज ही पहना है। हाँ। आज पहन के आए भी चल भी रहे हैं, नहीं भी पहनते ही नहीं थे। हाँ। हाँ। ये ना बहुत पर है परेशान, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि आज ना मेरी बैटरी चार्ज नहीं है, 10% है। कल तो आई थी बुआ के रूम पे ना, मेरे मतलब बैटरी डाउन थी, मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया था,
अभी मैं चलती हूँ यहाँ से ना, मैं बनाऊंगी खाना, दाल चावल बनाऊंगी सादा, बस क्योंकि तबीयत बहुत परेशान हूँ मैं, अजीब चक्कर सा रहा है, बनाऊंगी नहीं मैं खाना, बस दाल चावल बनाऊंगी, दाल चावल सादा हो जाएगा बस। सही बात।